हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका छोटे से चैनल पर। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि काइट फेस्टिवल आने वाली है, तो उस पर हमें कुछ जो कि पेच होते हैं उन्हें काटने के हमें कुछ तरीके बताएं। सरल भाषा में कहा जाए तो उसमें जो कि हमें कुछ ट्रिक बताएं। तो दोस्तों, मैंने 2D प्रोजेक्ट से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं आपको जो कि है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और भी पार्ट्स के, जो कि आपको समझने में और भी आसानी हो जाएंगे, तो वो भी दोस्तों 2D प्रोजेक्ट्स में है। तो आप प्लीज़ जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर जाके चेक करें। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इससे पहले जो मेरी वीडियो थी वो SKV काइट शॉप पर थी, जिसमें आप सभी की एक शिकायत थी कि उसमें हमें जो कि वो प्राइस भी बताया करें। हो सकता है दोस्तों प्राइस पूछने का रीज़न यही है कि जिससे आप अपना बजट आसानी से बना सकें, या फिर कोई दुकानदार हमें आसानी से ठग ना सके, और भी बहुत ज़्यादा कारण हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो पता हूँ कि प्राइस इसलिए नहीं बताई जा सकती आपको, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दुकानदार होते हैं, वो पतंग जो कि होती है उनकी रोज़ी रोटी होती है। तो इस सिचुएशन में होता ये है कि कई पतंग डैमेज निकल जाती है, या फिर GST या फिर बहुत सारे जो कि टैक्स लग जाते हैं, तो उनको खुद ये पतंग जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। या फिर कईयों को आसानी से पतंग उपलब्ध हो जाती है तो वो थोड़ी सस्ते दाम में बेचते हैं, तो वीडियो के थ्रू कई लोगों को जो कि है रेट बढ़ाने में आसानी हो जाती है। तो कई लोगों को जो कि दोस्तों वीडियो को लेकर रेट उन्हें घटानी पड़ती है, जो कि वो खुद लॉस में चलते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप जो कि किसी को भी आसानी से वीडियो दिखा के इसकी रेट जो कि आप कंपेयर कर सकते हैं, तो दोस्तों इससे जो कि है दुकानदारी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम अपना फटाफट से एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी बात जो कि वो समझ में आ रही होगी। हालांकि जो कि अगर किसी के बजट के अनुसार पतंग महंगी होती है तो दोस्तों वो अपनी पतंगों की संख्या कम कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो इतनी कॉस्टली पतंग उड़ाएं। और काफ़ी लोगों के लिए जो कि पतंग जो कि है वो अगर सस्ती होती है तो दोस्तों वो सही रेट पे जितनी भी उसको क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से वो आसानी से परचेसिंग कर सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सब लोगों के अपने भी सिचुएशन के तौर पर। तो दोस्तों, आप सभी का मैंने काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से और कुछ सीखते हैं नए पेज। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो रेड कलर का डोर है वो पतंग नीचे से है, और जो ब्लू कलर का डोर है वो पतंग ऊपर से है। तो दोस्तों, जो आप ये मार्क देख रहे हैं तो इसे कहा जाता है झोल, यानी पतंग की सबसे कमज़ोर अवस्था। यहाँ से पेच को काटने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। दोस्तों, हम डोर को देख से टाइट मान के चलते हैं। दोस्तों, इस सिचुएशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर के पेच अपने क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हालाँकि आपके पेच जो कि है वो एक जैसे या फिर मिक्स नहीं हो सकते, या फिर ये कुछ अलग पेच होंगे आप सभी के लिए। तो जो डायरेक्ट इस तरीके से पतंग को नीचे किया जाता है, इस दिशा को, इसको कहा जाता है पट या गद्दा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी भी जो कि वो डायरेक्ट कभी भी ऐसे के बिल्कुल ऐसे के नहीं उतारें, क्योंकि आपका जो कि अपोनेंट अगर होशियार हुआ या फिर समझदार हुआ तो वो इस चीज़ का आसानी से फ़ायदा उठा लेगा, और इस सिचुएशन में जो कि वो चक्कर या फिर शे या फिर ढील दे देगा। तो अगर हवा अच्छी रही, डोर अच्छी रही, तो आपकी पतंग जो कि है वो ऑटोमेटिक कट जाएगी अगर आप सीधे का सीधा गद्दा मार देते हैं, या फिर अगर आपको कोई विपरीत अगर इस तरीके से हरकत करे तो आप भी जो कि पतंग को चक्कर देके आसानी से काट सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, आपको ये एंगल मारना होता है, तो ये नंबर 2 है। तो इस एंगल से आपको पतंग को जो कि वो रखना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में जो कि आपका अपोनेंट हमेशा पतंग को खींचेगा ही। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका अपोनेंट अगर आपको पता है अच्छे से पतंग को पूरी की पूरी खींच कर लेके जाता है, तो आपको करना क्या होता है, आपको एंगल जो कि है वो दूसरी, यानी आपको जो कि वो राइट हैंड्स पे की तरफ खींच देना होता है। यानी आप कह सकते हो कि अपने अपोनेंट के हाथ की तरफ की पतंग को जो कि वो खींच देना होता है। अगर आपका अपोनेंट जो कि वो खींचता हुआ लेके जाता है तो उसकी पतंग आसानी से कट जाएगी, और आपकी जो कि अगर इस सिचुएशन में कटने का सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, अगर आपका अपोनेंट चक्कर दे देता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा पेज, ठीक है, यानी दूसरी ट्रिक देख लेते हैं आसानी से। तो आपको करना क्या होता है इस सिचुएशन में, आपको अपने अपोनेंट्स को ये वाला एंगल दिखाना होता है कि हम ये एंगल दे रहे हैं। अगर आपका जो कि विपरीत यानी अपोनेंट्स जो कि होता है, अगर वो समझदार होता है तो वो इस सिचुएशन को देख के वो आसानी से समझ जाएगा। पर आपको करना क्या है, आपको दिखाना ये एंगल है, और लास्ट मोमेंट पे आपको या तो ये वाला एंगल उतार देना है पूरी ताकत से, या फिर आपको करना क्या होता है दूसरे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको अगर आपके अपोनेंट्स की खींच आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आपको करना क्या है सिचुएशन में, आपको बिल्कुल वही कंडीशन करनी है, आपको एंगल ये दिखाना है और आपको सिचुएशन बिल्कुल चेंज करके आपको ये कर देनी है। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि आपका अपोनेंट्स कितनी भी तेज़ आपकी पतंग खींचे तो वो आसानी से कट जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, तो हम ट्रिक देख लेते हैं अब दूसरी थोड़ी सी। तो जैसे मान लीजिए जो कि जो पतंग है वो नीचे से है,
तो दोस्तों अब ये ट्रिक थोड़ी सी अच्छी और आपको शायद फायदे वाली होने वाली है। इसमें क्या करना होता है, हमें एक चक्कर घुमाना है और बिल्कुल पतंग को साथ के साथ में उठा देना है। तो दोस्तों ध्यान हमें इस चीज़ का रखना पड़ता है कि डोर हमारा अपोनेंट्स का टच ना हो जाए। और नंबर 4 की ट्रिक है, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। बेसिकली इस सिचुएशन में पेच नहीं होता, पर इसमें ताकत का पेच होता है। अब ये दोस्तों देख लीजिए, अब हम जो कि है वो ट्रिक ये वाली देख लेते हैं। हम जो कि वो इस तरह से पतंग को खींच रहे हैं और चेंज करके मुड्डा जस्ट उसके हाथ की तरफ खींच जाते हैं, तो इसको कहा जाता है रुक। यानी अगर आपको अपोनेंट आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ खींचता है तो ये खींच का थोड़ होता है, चाहे वो कितनी भी तेज़ पतंग को खींच ले वो आसानी से कट जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इस सिचुएशन में आपका जो कि विपरीत या फिर आपका दुश्मन अपोनेंट्स कुछ भी कह सकते हो उसको आसानी से जो भी आपको सही लगता है, तो वो अगर पूरी की पूरी पतंग खींच के लेके जाता है तो आपको जो कि वो दिशा उसके हाथ की तरफ ही कर देनी है, तो वो आसानी से कट जाएगा। तो दोस्तों अब हम जो कि ट्रिक दूसरी देख लेते हैं। वापस वही सेम कंडीशन और सिचुएशन में हमें अपने अपोनेंट्स की तरफ ही बिल्कुल ऐसे कैसे थपथपी यानी शेर झटके मार के करने होते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, हमारी पतंग का मूव भी करना चाहिए उस तरफ। यानी तो इसमें होता क्या दोस्तों, इस तरह से मूव करने से आप अपने अपोनेंट्स की पतंग बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान ये रखना पड़ता है, अगर आपका अपोनेंट्स खींचता है तो ही हमें सिचुएशन ये करनी होती है, और इसे हम थपक्का भी कह सकते हैं। यानी जो पतंग में आपको झटका लगता है या फिर शेर, तो इसे कही जाता है थपक्का। तो आपको जो कि वो थपक्का भी आसानी से समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप 2-3 सेकंड की वीडियो पीछे करके आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम ट्रिक दूसरी देख लेते हैं, जिसे हम डोरा छोड़ा कहते हैं। दोस्तों इस सिचुएशन में करना क्या होता है, आपको जो कि पतंग है वो बिल्कुल मतलब इस सिचुएशन में खींच कर पतंग को एकदम डोरा यानी छोड़ देना होता है, यानी पतंग फ्री कर देना होता है, ऐसा लगे कि पतंग आपकी कट गई हो, तो इसी को कहा जाता है डोरा छोड़ना। तो हम इसे जो कि पेज में एक बार अप्लाइड करके देखते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। ध्यान रखना दोस्तों, इसे इस एंगल पे कभी भी डोरा मत छोड़ना, और ये जो कि ये पेज कम से कम आप 100 मीटर या 100 मीटर के छोटे रेंज पे ही करना। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे करोगे तो आप आसानी से कट जाओगे, तो ये छोटे रेंज पे ही काम किया जाता है। आपको खींच के जो कि इस सिचुएशन में डोरा छोड़ देना है तंगों के पास में, तो वो आसानी से कट जाएगा अगर वो समझदार नहीं हुआ तो ये भी ट्रिक बहुत बेहतरीन होती है। तो आप प्लीज़ इस ट्रिक को भी एक बार आजमा के देखना, और उम्मीद करता हूँ, मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो ये वीडियो केवल केवल उनके लिए है। और दोस्तों मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को उतना ही प्यार दें जितना आपने सभी वीडियो को दिया है। तो दोस्तों जब आप सभी की एक ही शिकायत होती है कि कोई हमारे पीछे की तरफ से होता है वो अंदर की तरफ खींच जाता है, तो जब वो अंदर की तरफ खींचता है तो आपको क्या जोर जोर से झटके मारने हैं, तो वो अंदर बढ़ते बढ़ते ही कट जाएगा। यानी रुक वो दे रहा है और सिचुएशन हम झटके दे रहे तो कट जाएगा। सीधा खींचता है तो आप उसके हाथ की तरफ खींच दें तो वो आसानी से कट जाएगा। नंबर 10 ट्रिक है, इसमें करना क्या होता है दोस्तों हमें, यानी अगर आपका अपोनेंट्स आपके हाथों की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है यानी अंदर की तरफ आता जा रहा है, तो आप जोर से झटके मारें, या फिर दोस्तों आप जो कि अगर वो आपका अपोनेंट्स खींच जाता है तो आप उसके हाथों की तरफ खींच जाएं। ये हुए दोस्तों ऊपर के पेज, अब हम नीचे के पेज जान लेते हैं। दोस्तों रात के बज रहे हैं 3, और इस टाइम पे जो कि मैं वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि आपको नॉइस एकदम क्लियर सुनाई दे, यानी कोई भी आसपास की आवाज़ सुनाई ना दे। तो दोस्तों इस सिचुएशन में जो कि आपको डोर के अंदाजे समझ में आ गया होगा कि कौन सी पतंग हमारी नीचे की है, कौन सी पतंग ऊपर की है, तो इस सिचुएशन हम जो कि वो पेच आसानी से समझ सकते हैं। अब हम जो कि ये पेच नीचे की समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीन और ब्लैक कलर की जो काइट है दोस्तों वो नीचे से है, तो इस सिचुएशन में जो कि वो काइट नीचे से आ चुकी है, और आप जो कि वो टोर का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, हम हमेशा जो कि नीचे से पतंग को खींचते एकदम सीधा, तो हमारी बहुत बार पतंग कट जाती है, और जो समझदार है उनको पता है किस एंगल में खींचते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूँ। तो आपको जो ये ग्रीन कलर का मार्क दिख रहा है, तो आपको इस एंगल पर आपकी पतंग को खींचना पड़ता है, तो ये जो कि वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, और डोर जो कि होता है वो पतंगों को बहुत तेज लगता है, तो आपको जोर से इस तरीके से एंगल में पतंग को खींच देनी पड़ती है। तो जिसकी ताकत खींच में तेज़ होती है तो वो आसानी से पेच को काट देता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये एंगल जो कि वो परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें पतंगों को किस तरीके से खींचना पड़ता है। दोस्तों पेचों में जो कि आप कई बार देखते होंगे कि पतंगों को जो कि वो सीधा भी खींचा जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आपका अपोनेंट समझदार होता है तो वो इसी चीज़ का वेट करता है कि या तो आप कोई ना कोई गलती करो, यानी कोई भी अगर टक्कर वाला बंदा होता है तो सिचुएशन में होता क्या है कि जो कि कोई भी कमज़ोर पड़ जाता है, तो वो उसी समय मतलब पतंग कट जाती है। तो इस सिचुएशन में हमें जो कि है कोई भी गलती नहीं करनी होती है, हमें हर एक एंगल याद रखना होता है कि पतंग को कैसे लड़ाया जाता है, हर एक ट्रिक का तोड़ होना चाहिए। तो मैं आपको जो कि वो आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक ट्रिक और उसका तोड़ साथ ही साथ में।
तो दोस्तों जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको उतनी ही देने की कोशिश कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैं आपसे जो कि जितना भी मुझे आता है मैं आपसे कम से कम शेयर तो कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से सीख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको करना क्या होता है सिचुएशन में, आपको एंगल ये वाला दिखाना है और चेंज कर देना है डोर टच होने से पहले। अगर आपका अपोनेंट्स बहुत तेज़ खींचता है तो आपको जो कि पतंग को जस्ट अपोजिट साइड खींच देनी है, तो कितना भी तेज़ खींचता है वो पतंग वहीं का वहीं कट जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वो समझदार हुआ और आपकी डोर नहीं टच हुई, उससे पहले उसने अगर अपनी पतंगों पर चक्कर देने लग गया, तो आपकी पतंग जो कि है वो कट सकती है, क्योंकि आप अंदर की तरफ जा रहे हो और अंदर की तरफ कोई भी अगर आपकी पतंग भरता है यानी रुक, और रुक पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना कि रुक किसे कहा जाता है, तो आप समझ में आ जाएगा आसानी से। दोस्तों रुक का भी यूज़ इसलिए किया जाता है आपके अपोनेंट जो कि होता है उनकी खींच को वीक करने के लिए यानी स्पीड को स्लो करने के लिए। दोस्तों अब हम एंगल दो की है यानी ट्रिक दूसरी चेक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको करना क्या होता है दोस्तों इस सिचुएशन में, काफ़ी सारों की ये एंगल ज़रूर बना होगा, तो ये कभी बसते हुए होता है और कभी ये, तो इस एंगल में क्या होता है दोस्तों, इस एंगल में हमेशा ताकत का खेल होता है, जिसकी ताकत तेज़ होती है वही पेज को आसानी से काट देता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आप जब भी ये एंगल बनता है तो आप या तो ज़ोर से थपथपिया दे दें तो वो ऐसे करते ही कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया क्या होगा, तो आप आसानी से काट सकते हो, ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये एंगल पैदा होता है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कभी भी आप तिरछा ना खींचें, क्योंकि अगर आप तिरछा खींचेंगे तो आपका अपोनेंट जो कि वो आसानी से काट देगा, या फिर आप जोर जोर से थपक्की मार सकते हैं अंदर की तरफ। जब आप जोर से अंदर की तरफ थपक्की मारोगे तो आप आसानी से आप अपने अपोनेंट्स की पेच काट सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। और दोस्तों अब हम जो कि वो रेटिंग की बात कर लेते हैं, कितने लोगों ने हमारी जो कि SKB शॉप है उसको रेटिंग दी है, तो दोस्ती देख लीजिए सभी ने जो कि वो रेटिंग दी है, और मैं आप सभी से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सब जो कि वो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं और पसंद करते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आपको जो कि वापस SKB जो कि काइट शॉप की जो कि बहुत बढ़िया है, तो मैं आपको लिंक जो कि वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली से, हैदराबाद से, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कोरियर का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, ना ही तो ट्रांसपोर्ट का। अगर आपको काइट्स चाहिए तो या तो आप डायरेक्ट किसी और से कॉन्टैक्ट कर लें, अगर आपको जयपुर की काइट्स चाहिए तो आपको जयपुर आना पड़ेगा। थैंक यू फॉर